शरीफ का क्या है? शाह लाल हुसैन, सही शाह लाल, सही शाह लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। हाँ, और ये इनके मुरीद? ये सही माधो लाल हुसैन, सही माधो पाक। अच्छा, ये पीर साहब का मज़ार है, ये पीर साहब का ये मुरीद। 30 अक्टूबर 2020 की शाम है, नमाज मगरिब शरीफ का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन गुजर चुका है। 13 रबीउल अव्वल शरीफ की रात की इब्तिदा हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत सखी लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ पर, जो दाता दरबार शरीफ लाहौर से काफ़ी फासले पर मौजूद है। इस वीडियो में हम हज़रत शेख लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद की मज़ार की ज़्यारत करेंगे, और आगे हज़रत शेख लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा यानी बहन की मज़ार शरीफ की भी ज़्यारत करेंगे। और एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा चराग मौजूद है, उसे भी हम देखेंगे, और मज़ार शरीफ से मुत्तसिल एक मस्जिद है, मस्जिद भी हम देखेंगे। अच्छा, ये मज़ार शरीफ का क्या है? शाह लाल हुसैन, सही शाह लाल हुसैन, सही शाह लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ है। हाँ, और ये इनके मुरीद? ये सही माधो लाल हुसैन, सही माधो पाक। अच्छा, ये पीर साहब का मज़ार है, ये उनके ये पीर साहब का ये मुरीद, ये इनके मुरीद है। मज़ार शरीफ के पिछले तरफ हज़रत लाल हुसैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा माई सैदो अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद है। दरबार के बाहर ये आग लगी हुई है, और ये क्या चीज़ है सर? ये चिराग है उनके, चिराग जलाया माधो लाल हुसैन के, चिराग हैं ये, वो बड़े वाला चिराग उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं माच, चिराग ही है। तो लोग क्या नियत करके चिराग जलाते हैं? मानते हैं, मांग मन्नत मानते हैं। ये अंदर क्या गढ़ा है जी? मेले पे ना जी, जी मेले पे इसके अंदर चिराग जलाते हैं। अच्छा, वगैरह डाल के बड़ा ऊपर तक तकरीबन छत तक जाता है। हाँ, इतने ऊपर यानी कि मज़ार शरीफ की? हाँ जी, छत के बराबर तक जाती है, इतनी बड़ी आग लगती है। अभी छोटी है, आवाम कम है। हाँ, आवाम कम है, वैसे ही लोग इसमें मोमबत्ती अगरबत्ती डालते हैं। तो उर्स का मुनक्की किया जाता है? हाँ जी। कब मुनक उर्स का होता है? मार्च में, मार्च के एंड में, हर साल मार्च में। मज़ार शरीफ से मुत्तसिल एक प्यारी सी मस्जिद है। हम मस्जिद शरीफ के अंदर दाखिल हुए। इस मस्जिद शरीफ में हमने नमाज मगरिब अदा की। ये अली माने नियाज शरीफ है, जो हमें रास्ते में से मिली। दो नानों के दरमियान खिचड़ा रखा गया है।